मैं प्रोफेसर वामन सर से निवेदन करूंगा कि वो माइक में आए और आप सभी का स्वागत करें। प्रोफेसर वामन केंद्र, डायरेक्टर, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। भारतवर्ष में, भारत देश में पहली बार कोई ओलंपिक्स होने जा रहा है और पहली बार थिएटर ओलंपिक्स इंडिया में आयोजित किया जा रहा है। ये आठवां थिएटर ओलंपिक्स है जो दुनिया में होने जा रहा है। भारतवर्ष का नाटक हम सबको बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कैसा है, उसकी विविधता क्या है, उसकी गहनता क्या है। मुझे लग रहा है कि एज अ स्टेट, एज अ कंट्री, एज अ सोसाइटी पहली बार हम नाटक को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जा रहे हैं और वो ले जाने का पूरा जो श्रेय है मुझे लगता है हमारे डॉक्टर महेश शर्मा जी को जाता है। धन्यवाद। उपस्थित पत्रकार छायाकार बंधुओं, भारत की घनी संस्कृति के प्रेमियों, नाट्य फोक थिएटर आर्टिस्ट के कलाकारों, सभी को मेरा प्रणाम। मंच पर उपस्थित मेरे साथ एनएसटी के अध्यक्ष आदरणीय निरतन थ्याम जी, डायरेक्टर प्रोफेसर वामन केंद्रे जी, जिनके नेतृत्व में नए आयाम छुए हैं, नई ऊंचाइयों तक ले गए हैं और आज जिस नई शुरुआत की और एनएसडी के माध्यम से, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के माध्यम से आज एक नई शुरुआत ओलंपियड के बारे में शुरू की जा रही है। सच्चाई ये है कि किसी शहर की पहचान, किसी समाज की पहचान पत्थर की दीवारें नहीं किया करती, वहाँ की घनी संस्कृति, वहाँ रहने वाले लोग, उनके रिच हेरिटेज और कल्चर से हुआ करती है। और नाटक समाज की चेतना का एक बहुत बड़ा कारण है, बन सकते हैं और हैं भी। 3 वर्ष पहले हम लोगों ने भी थिएटर ओलंपियाड के लिए आवेदन किया था और मुझे खुशी है कि आज भारत को 8वां ओलंपियाड आयोजन करने की अनुमति मिली है। ये हम सब लोगों का सौभाग्य है। दिल्ली सहित लगभग 15 से 20 शहरों के अंदर इनका मंचन होगा। मुझे खुशी है आज उस क्षण की घोषणा करते हुए कि कल्चरल ओलंपियड 2018 में 8वां संस्करण भारत के अंदर होगा, जिसकी शुरुआत उम्मीद करेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी करें दिल्ली में और उसका समापन महामहिम राष्ट्रपति जी बंबई में करेंगे। इस समय के साथ, लगभग 7-8 महीने के समय से पहले इसकी मैं सहर्ष घोषणा करता हूं। आप सभी को शुभकामनाएं, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी उपस्थिति को। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। इट इज इंडीड ए ग्रेट फीलिंग ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस दैट द प्रेस्टिजियस इवेंट ऑफ 8 इंटरनेशनल थिएटर ओलंपिक्स इज टेकिंग प्लेस इन इंडिया, a country of ancient civilization, a country of ancient cultural traditions, innumerable cultural traditions. The event is going to be one of the most memorable and remarkable experience for all of us in India. Personally, my happiness and joy in this moment is endless because it is a dream comes true for me. For the last many years, from the day I was invited to be a member of executive board of International Theatre Olympics Committee, I was contemplating to bring this great festival in India. Ladies and gentlemen, I am happy to announce the theme of 8th Theatre Olympics 2018, and the theme is Flag of Friendship, Mitrata ka Dhwaj. Theatre Olympic 2018 ke liye hum usi mitra bhav ko, us dhwaj ko pratik mante hue
विश्व के समस्त रंगकर्मियों के बीच विश्व बंधुत्व की भावना के रूप में पुनः प्रतिष्ठित करते हैं और मित्र भाव को गौरव प्रदान करते हैं। 2018 पूरे विश्व में भाईचारे की मित्रता की पताका फहराएगा, ऐसी हम कामना करते हैं।